नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन नजर डाल लेते हेडलाइंस पर। कांग्रेस का नवसंकल्प शिविर, कार्यशाला में शामिल हुए पार्टी के दिग्गज, चुनाव में हार और आगे की रणनीति पर गहन मंथन। राज्यसभा सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी कल्पना सैनी ने किया नामांकन, बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में दाखिल किया पर्चा, 10 जून को निर्विरोध निर्वाचन तय। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने किया लाभार्थियों से संवाद, सरकार की गिनाई उपलब्धियां, जनता तक पहुंचाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं। कोविड महामारी के 2 साल बाद शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा, पारंपरिक अंदाज में यात्रियों का स्वागत, यात्रा का पहला जत्था अल्मोड़ा के लिए रवाना। आज से कांग्रेस का नवसंकल्प शिविर शुरू हो गया है, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और पार्टी के अध्यक्ष शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस ने वर्कशॉप आयोजित की है, जिसमें हार पर भी मंथन किया जाएगा और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इस शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापरे भी मौजूद हैं। चंपावत सीट के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और अब इंतजार 3 जून का सभी को है, लेकिन मतदान को लेकर वोटर्स में जिस तरह का उत्साह दिखाई दिया, उसने यकीनन लोगों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है कि क्षेत्र के विकास के लिए इस बार पुष्कर धाम ही तय है। लेकिन फिर भी रिजल्ट का इंतजार तो सभी को करना ही होगा। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चंपावत उपचुनाव में लंबे वक्त से जुटे सियासी दलों के उम्मीदवारों के लिए आज इम्तिहान का दिन रहा। राजनीति के इस इम्तिहान में फैसला जनता के हाथ में है, लिहाजा उपचुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे खत्म हुई। सुबह से ही अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए लोग लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। 151 पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। मतदान के दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जो वोटर्स के जज्बे को सलाम करती नजर आई। वोटर्स के बीच न उम्र आड़े आई और न ही उनकी दिक्कतें परेशानी उन्हें अपना वोट डालने से रोक पाई। मतदान के दौरान वोट डालने पहुंचे एक शख्स के दोनों पैरों पर प्लास्टर होने के बावजूद भी उन्होंने अपना वोट डाला। दूसरी तरफ बुजुर्ग महिलाएं भी अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए पोलिंग बूथ पहुंची। अपनी बढ़ती उम्र को पीछे छोड़ते हुए महिलाओं ने जमकर मतदान में हिस्सा लिया। सखी बूथ पर बुजुर्ग महिलाओं का बकायदा पारंपरिक वेशभूषा में छात्राओं ने सम्मान किया। अब दिन चढ़ने के साथ पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए लोगों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई थी, तो बूथों पर व्यवस्थाओं को जांचने और परखने के लिए भाजपा से उम्मीदवार और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पोलिंग बूथ पहुंचे। व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे सीएम धामी ने कहा कि जिस तरीके से जनता ने उन्हें अपना समर्थन दिया है, निश्चित तौर पर वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इस क्षेत्र का सीधे सीधे सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, मुझे अवसर मिला है। सभी की भावनाओं पर, संभावनाओं पर कोशिश करेंगे कि हम खरे उतरे और हमारा राज्य जो ये मातृशक्ति का राज्य है, मातृशक्ति ने इस राज्य को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनकी अपेक्षाओं पर, उनकी आशा और विश्वास जो भी उनका है, उसको जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं, सारा नया विजन तैयार हो रहा है, नया एक कार्य व्यवहार आया है, नई कार्य संस्कृति आई है, मातृशक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम इन सभी संभावनाओं पर और यहाँ की देवतुल्य जनता जो भी हमसे आशा करती है, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे। चंपावत उपचुनाव में इस बार बीजेपी उम्मीदवार पुष्कर धामी और कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी के बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। मतदान में इस बार वोटर्स में दिखे उत्साह ने ये तो तय कर दिया है कि चंपावत की जनता ने क्षेत्र के विकास के लिए बढ़ चढ़ कर मतदान प्रक्रिया में 100% हिस्सा लिया है। ऐसे में ये साफ देखा गया कि चंपावत की जनता भी ऐसा नेतृत्व चाहती है जो चंपावत के विकास कामों को आगे बढ़ाए और तरक्की की राह पर आगे लाए। हालांकि जब तक 3 जून को ईवीएम का पिटारा नहीं खुल जाता, तब तक के लिए इंतजार करना ही होगा।
चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह और टनकपुर से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड से राज्यसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार कल्पना सैनी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर सीएम धामी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। आपको बता दें कि 10 जून को राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होना है, ऐसे में विधानसभा में भाजपा के पास 2/3 बहुमत होने के चलते कल्पना सैनी की जीत तय मानी जा रही है। मेरे प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने, मेरे संगठन के मुखिया ने ये विश्वास जताया है कि मैं अपने प्रदेश के विकास के लिए, चूंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, अपने उत्तराखंड के विकास के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व की, अपने प्रदेश नेतृत्व की योजनाओं को बढ़ाने का काम करूंगी और केंद्र और प्रदेश के बीच में समन्वयक की भूमिका अपने आदरणीय भाई साहब की तरह ही मेरी भी होगी। पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड से किसी महिला को राज्यसभा का सदस्य के लिए उसका नामांकन हुआ है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है और हमारी पार्टी हमेशा से मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की पक्षधर रही है। महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी वो भी हमारी ही सरकार में हुई थी उस समय खंडूरी जी की, और आज कल्पना सैनी जी, डॉक्टर कल्पना सैनी जी को जो प्रत्याशी बनाया है, मातृशक्ति का भी सम्मान है और उत्तराखंड हमारी मातृशक्ति ने बनाने में अपना बहुत बड़ा भूमिका उनका रहा है हमेशा से। आगे इस रूप में जो इनका अनुभव है और सामाजिक, समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में और हमारे इस पूरे क्षेत्र में, इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है 2022 का, उसमें मातृशक्ति ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने केंद्र की भाजपा सरकार को 8 साल पूरे होने पर इस सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जहां एक तरफ एम्स का सैटेलाइट सेंटर उधम सिंह नगर में खोलने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, तो वहीं देश की जानी मानी केंद्रीय यूनिवर्सिटी रामगढ़ में खोले जाने को भी हरी झंडी मिलने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही देश में स्वीकृत हुए 2 डिजिटल विलेज में एक विलेज हल्द्वानी में खुलने जा रहा है। 2 करोड़ रुपए की लागत से यह डिजिटल विलेज जल्द शुरू हो जाएगा। डिजिटल विलेज हम यहां पर ला रहे हैं, डिजिटल विलेज जो 2 करोड़ रुपए का है, अभी मैं उसकी शुरुआत करूंगा। 2 मिले हैं हमको भारत में, 1 को मैं यहां पर ले आया हूं क्योंकि ये एक सेंटर प्लेस है हमारा। और इसी तरह हल्द्वानी, जिसमें चारों तरफ से, काशीपुर से, रुद्रपुर से, जसपुर से, बाजपुर से, खटीमा से और ऊपर से, भीमताल से, नैनीताल से, कुमायूं से, सब लोग यहां आके कई चीज़ें उसमें अपने जो काम नहीं होते हैं, जो रुके हुए काम हैं, उनको कर पाएंगे। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की ओर से संचालित तमाम योजनाओं से लाभान्वित राज्य लाभार्थियों के साथ संवाद का कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम शिमला में रखा गया जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई राज्यों को जोड़ा गया। मुख्यमंत्री आवास में भी कार्यक्रम से कई लाभार्थियों ने वर्चुअली प्रधानमंत्री से संवाद भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान कई लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन कल्याणकारी योजनाओं और किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ की 11वीं किश्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की है। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 8 वर्ष इस शासन काल के हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उनके शासनकाल में जितनी योजनाएं जन कल्याण की हुई है, जनता के लिए हुई है, गरीबों के लिए हुई है, किसानों के लिए हुई है, युवाओं, महिलाओं के लिए हुई है, आम आदमी के लिए हुई है, और उन्हीं लाभार्थियों का एक सम्मेलन आज माननीय प्रधानमंत्री जी सीधा उन लाभार्थियों से शिमला से संवाद कर रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर गरीब कल्याण योजनाओं के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। कार्यक्रम में जिले के कई विभागों के स्टॉल लगाए गए, साथ ही केंद्र पोषित योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। एक जो गरीब कल्याण योजना है, इसके आज हमारे जो प्रदेश केंद्रीय जो सरकार है उसके 8 साल पूरे हुए हैं
और हम सब लोगों को ध्यान है कि 2014 से पहले जो समस्याएं थी इसके अंदर थी, उस गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए था वो 2014 के बाद इन 8 वर्षों में उस व्यक्ति तक सरकार पहुंची है। 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। उत्तराखंड में भी तंबाकू निषेध दिवस के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। दून मेडिकल कॉलेज में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रतिज्ञा समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को धूम्रपान के विरुद्ध संकल्प दिलाया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान गांव-गांव चले उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करार का भी नारा दिया गया। देखिए, उत्तराखंड सरकार पूरे प्रदेश में पूरे साल भर जो है एक अभियान चला रही है कि हम गांव में भी, स्कूलों में भी, सार्वजनिक स्थलों में भी जो है तंबाकू और मद्य निषेध का जो है कैसे उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, लोगों से जो है अवेयरनेस के कार्यक्रम हम लोग चलाने वाले हैं। और आज चूंकि एक राष्ट्रीय प्रोग्राम था और इसलिए हमने सभी कॉलेज और स्कूलों में आज कार्यक्रम किया, लाखों बच्चों ने, अभिभावकों ने आज इसमें शपथ ली है, लेकिन एक पूरे साल भर हम इस कार्यक्रम को चलाने जा रहे हैं। राजधानी के दून मेडिकल अस्पताल में अब ओपीडी से लेकर आईपीडी तक सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी, जिसको लेकर दून अस्पताल के अंदर एक्सेसिव कंट्रोल रूम का वॉर रूम भी बनाया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो तीमारदारों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहत हर तीमारदार को वार्ड में जाने से पहले रजिस्टर में एंट्री करनी होगी, जिससे अस्पताल के अंदर अनावश्यक भीड़ पर भी नियंत्रण लग सकेगा। कोई चोरी की घटना ना हो और मरीजों के सामान की पूरी जिम्मेदारी से जो है उसकी सुरक्षा सुरक्षित रहे, इसके लिए हमने सीसीटीवी की भी जो है जगह जगह जो है हमने कैमरे जो है बढ़ाए हैं, और हमने एक ऐसी व्यवस्था करी है कि निगरानी रखी जा सके कंट्रोल रूम की, जिसमें जो है निरंतर जो है हम जो है निगरानी करते रहते हैं कि कहां पर जो है कौन सी गतिविधियां चल रही हैं। कोविड महामारी के 2 साल बाद कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से संचालित आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई है। आदि कैलाश यात्रा को लेकर भोले के भक्तों में काफी उत्साह दिख रहा है। यात्रा के लिए अब तक 700 से अधिक पंजीकरण जो है वो हो चुका है, और पहला दल 31 मई को भीमताल TRC से धारचूला के लिए रवाना भी हो गया है। बता दें कि कुमाऊं मंडल विकास निगम 1990 से आदि कैलाश यात्रा का आयोजन कर रहा है। पहले इस यात्रा के लिए सड़क ना होने के कारण आवागमन में करीब 200 किलोमीटर पैदल चलना होता था। अब भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे यात्रियों को पैदल चलना नहीं होगा। साल से कोई यात्रा स्टार्ट नहीं हो पाई थी कोविड के कारण। इस साल ये प्रयास किया जा रहा है कि दोबारा से यात्रा प्रारंभ कर दी जाए, तो आज से हमारा पहला ग्रुप जा रहा है। 8 दिन की ये यात्रा रहेगी और ये लगभग अक्टूबर तक हमारी चलती रहेगी। अभी तक हम लोग देखते हैं तो गत वर्षों में जब यात्रा चलती थी तो 200, 250 और 400 लोगों के आसपास यात्री रहते थे। इस बार अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं कि 600-700 यात्री ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर एंड तक लगभग 1500 यात्रियों को हम आदि कैलाश यात्रा करा पाएंगे। और आदि कैलाश शुरू से हमारी संस्कृति रही है। आदि कैलाश कैलाश ही हमारे लिए सब कुछ है। योग का भी जो है सी भी है सब कुछ, वो भी उत्तराखंड में तो योग की भूमि है ये, और शिव जी इसके वो हैं, मालिक हैं। शिव जी ही ओरिजिनेटर हैं योगा के, तो आदि कैलाश तो हमारे लिए कितनी बड़ी चीज है। रुड़की HRDA विभाग ने दर्जनों कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया है और साफ चेतावनी दी है कि अगर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया गया तो कानूनी कार्यवाही के साथ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही भी होगी। HRDA विभाग के इस एक्शन प्लान से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, जो अनाधिकृत रूप से जो कॉलोनियां हैं उन पर जो है कार्रवाई चल रही है, और जो लेआउट अप्रूव्ड नहीं है प्राधिकरण क्षेत्र से तो उन पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और इस प्रथम चरण में हमने 5 कॉलोनी को तोड़ा है। दूसरी चरण में पहले कॉलोनी में 4 कॉलोनी तोड़ी थी, अब आज 5 तोड़ी है, अभी आगे की भी कार्रवाई जारी है, स्कूटनी चल रही है।
अगर आप ट्रैकर हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। उत्तराखंड की ऊंची ऊंची वादियों को देखने के लिए, प्रकृति की खूबसूरती को महसूस करने और करीब से उसे निहारने के लिए हर साल यहाँ देश के साथ कई हिस्सों से ट्रैकर्स आते हैं। जोखिम भरे ट्रैक की जानकारी नहीं होने की वजह से कई ट्रैकर्स हादसे का शिकार भी हो जाते हैं, तो कई ट्रैकर्स नियमों को जानने के बाद भी जोखिम उठाना बहादुरी समझते हैं जो उन्हीं पर भारी पड़ती है। उन्हीं से जुड़ी यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इसमें एक हिदायत भी है। कुदरती सौंदर्य को करीब से देखने और जानने के साथ ही शांत फिजाओं के बीच वक्त बिताने के लिए लाखों ट्रैकर्स उत्तराखंड आते हैं। यहाँ की वादियों से अनजान ट्रैकर्स कभी पहाड़ के रास्तों में भटक जाते हैं तो कभी बहादुरी दिखाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर बिना अनुमति के जोखिम भरे ट्रैक रूट पर निकल पड़ते हैं, जिसका खामियाजा ट्रैकर्स की जान पर बनाता है। कभी वक्त रहते इन्हें बचा लिया जाता है तो कभी ट्रैकर्स का पता नहीं चल पाता, जिसे रेस्क्यू करने में भी परेशानी आती है। नियम खिलाफी के साथ ही उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति से अपरिचित ट्रैकर सही गाइड की ना मौजूदगी में भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। उत्तराखंड केदारनाथ क्षेत्र को ही समझा जाए तो यहाँ कई जोखिम भरे ट्रैक रूट हैं। यहाँ बिना जानकारी, बिना सुरक्षा उपायों के साथ जाना खतरे से खाली नहीं होता। केदारनाथ और मध्यमेश्वर घाटी है। घाटी में पहुँचने के लिए दुर्गम क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ कब बर्फ पड़ने लगे, कब बर्फीला तूफान उठ जाए, ये भी कोई नहीं जानता और यही हादसों की वजह बनता है। केदारनाथ में कई पहाड़ियाँ 18,000 से अधिक ऊंचाई पर है, जहाँ बिना परमिशन जाने पर दंड का भी प्रावधान है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में ट्रैकर्स नियमों को अनदेखा कर बिना अनुमति के इन रास्तों पर पहुँच जाते हैं। बीते 8 सालों में प्रदेश में ट्रैकिंग रूट पर 12 से अधिक दल मौसम का मिजाज बिगड़ने से फंसे हैं। बदले मौसम की वजह से हादसे का शिकार भी हुए हैं, 8 ट्रैकर्स की जान भी गई है। ये हादसा पहली दफा नहीं था, गुजरे सालों में कई ट्रैकर्स की जान इन रास्तों पर गई है। हादसे भरे ट्रैक रूट में मध्यमेश्वर पांडवसेरा, मध्यमेश्वर पनपतिया, मध्यमेश्वर पनपतिया बद्रीनाथ, मध्यमेश्वर रुद्रनाथ, केदारनाथ बसुकीताल चौखंबा, केदारनाथ बसुकीताल गंगोत्री, केदारनाथ त्रियुगी नारायण, पनवाली कांडा शामिल है। लेकिन ट्रैकर्स की मनमानी उन्हीं पर भारी पड़ती है। 29 मई से रुद्रप्रयाग के पांडशेरा ट्रैक पर 60 ट्रैकर्स लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किए हुए है, लेकिन अब तक टीम को कामयाबी नहीं मिली। उच्च हिमालय क्षेत्रों में ट्रैकिंग के लिए जाने वाले व्यक्ति को वन विभाग से अनुमति लेने के बाद पर्यटन विभाग, प्रशासन और पुलिस को भी अपने ट्रैकिंग रूट की पूरी जानकारी देनी होती है। साथ ही उच्च हिमालय क्षेत्र में जाने के लिए ट्रैकर्स के पास सकुशल गाइड, पर्याप्त संसाधन, जरूरी कपड़े, दवाइयाँ, टेंट होना भी जरूरी होता है। और सबसे अहम, वन विभाग के कार्यालय में शुल्क जमा कराने के बाद ट्रैकर को ट्रैकिंग पर जाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन ट्रैकर्स अब इन सब नियमों को दरकिनार करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन योजना के तहत जहां देश भर में हर घर जल पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की रफ्तार सुस्त दिखाई दे रही है। आखिर क्यों, आइए रिपोर्ट में देखते हैं। जल जीवन मिशन को लेकर भारत के कई राज्य अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड जल जीवन के कामों में अभी भी कई दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है। उत्तराखंड के पिछड़ने का असल कारण उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला बने हैं। दरअसल इन दोनों जिलों में हर घर जल पहुंचने का काम काफी सुस्त रफ्तार से चल रहा है। इस योजना के तहत हरिद्वार में 39.40% और उधम सिंह नगर में 43.59% ही काम हुआ है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर के ग्रामीण इलाकों में पेयजल सप्लाई सिस्टम, हैंडपंप और निजी ट्यूबवेल पर निर्भर है, जहां जल संस्थान और जल निगम की योजनाएं बेहद कम है। लेकिन अब जल जीवन मिशन में यहां नए ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक बनाने के साथ नई लाइनें बिछाने का काम चल रहा है,
और अब तक 61.83% घरों में ही पानी के कनेक्शन पहुंच पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पहलू ये भी है कि देहरादून, बागेश्वर और चमोली का रिकॉर्ड काफी बेहतर देखने को मिला है, जिसमें हर घर जल और नल देने के मामले में देहरादून जिले की बात करें तो 94.89% यहां काम हुए हैं, जबकि चमोली जिले में 90.02% घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो वर्तमान में जो हमारी स्थिति है वो 43.7% लगभग है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो पहले हैंडपम्प बेस और ट्यूबवेल बेस और निजी ट्यूबवेल बेस योजनाएं थी, लोगों की अपनी थी व्यवस्था, क्योंकि अब हमें प्रत्येक घर को हाउस होल्ड कनेक्शन के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, इसलिए सरकार जो है उनको इसको पूरा करने के लिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति उपलब्ध हो, मानकों के अनुरूप एक गुणवत्ता और क्वालिटी में और क्वांटिटी में उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयासरत है। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2030 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र पंत का कहना है कि उत्तराखंड में 2019 के आधार पर देखा जाए तो अब तक जल जीवन मिशन काफी बेहतर हालातों में है। कार्य एक मिशन मोड में हो रहा है और समस्त गांवों को, समस्त जिलों को, समस्त गांवों को, समस्त परिवारों को एक मिशन मोड में हमें ये लाभ पहुंचाना है, तो इसलिए इसमें प्रगति जो है वो प्रगति में अभी समय लग रहा है, लेकिन हमें इसको दिसंबर 2023 तक हम इसको पूर्ण कर लेंगे मैदानी क्षेत्रों में। और अगर आप प्रगति का प्रतिशत देखें तो प्रगति का प्रतिशत 40 लगभग 35% और से 40% तक हम लाए हैं, जो कि अन्य राज्यों के अगर आप जिलों से प्रतिशत में वृद्धि देखेंगे तो उस हिसाब से जो है काफी हमारी अच्छी प्रगति है। बहरहाल उत्तराखंड के अंदर जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर जल और नल कब तक पहुंचेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ जिलों की तस्वीर बेहतर है तो कई जिले इस प्रोजेक्ट में काफी पिछड़ रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कि मैदानी इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे सुस्त कामों पर प्रशासन और सिस्टम कब जागता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें गरीब छात्रों को निशुल्क पढ़ाई के लिए हर साल आवंटित की जाती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में 100% गरीब छात्रों के एडमिशन नहीं हो पाते। इस साल भी उत्तराखंड में 50% सीटें पहली बार करीबन लॉटरी प्रक्रिया से निकालने के बाद भी खाली है, लेकिन खाली सीटों को भरने को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ कोशिशें हो रही है, आए रिपोर्ट में देखते हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब छात्रों की निशुल्क एजुकेशन के लिए निर्धारित है। क्लास 1 से लेकर 8 तक निशुल्क पढ़ाई गरीब छात्रों का हक है, लेकिन इस साल भी क्लास 1 में जो एडमिशन प्रदेश भर में हुए उसके तहत खाली रह गई 50% सीटों ने विभाग के माथे पर बल डाल दिए हैं और सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार कैसे 100% सीटों को भरा जाए। हालांकि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि गरीब छात्रों के लिए जो सीट रिजर्व है उन पर उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। प्रदेश में 33,672 सीटें गरीब छात्रों के लिए आरक्षित हैं। इनमें से एडमिशन की पहली प्रक्रिया में 17,662 छात्रों का ही एडमिशन हो पाएगा। जो सीटें रिजर्व गरीब छात्रों के लिए रखी गयी है उनमें से 28,066 आवेदन मिले थे, इनमें से 21,922 आवेदन सही पाए गए तो लॉटरी के जरिए 17,662 छात्रों का चयन हुआ। इस बाबत समग्र शिक्षा अभियान के अपर परियोजना निदेशक मुकुल सती का क्या कुछ कहना है ये भी आप सुन लीजिए। देखिए, राइट टू एजुकेशन में जो 25% जो कोटा होता है वो 12(1)(c) के लिए आवंटित होता है, तो उनका आवंटन हमने कर दिया। 17,662 आवंटन हमारे अभी तक हो चुके हैं लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा जो ऑनलाइन सिस्टम से भरे जाते हैं। 34,000 कुल सीटें हैं, तो बाकी सीटें अभी वाकई में खाली हैं। तो माननीय मंत्री के निर्देश हैं, तो वैसे भी हम लोग चाह रहे हैं कि निर्देशों के अनुपालन में बहुत जल्दी जो है दूसरी प्रक्रिया, दूसरे लोगों से जो नहीं किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए या किसी कारणवश फॉर्म को गलत भर दिया या कोई उनका और इशू रहा हो, तो उसके लिए बहुत जल्दी इस प्रोसेस से कम्प्लीट होने के बाद हम लोग इसका जो है रिटायरमेंट निकाल देंगे और फिर उसी प्रोसेस से लोग भरेंगे और फिर दूसरी लॉटरी के द्वारा शेष सीटें भरने का प्रयास किया जाएगा।
हर साल की तरह इस साल भी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब छात्रों के एडमिशन को लेकर नहीं भर पाई हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग एक बार फिर एडमिशन का मौका देने जा रहा है, मगर देखना ये होगा कि जो लक्ष्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गरीब छात्रों की 100% एडमिशन के लिए रखा है वो पूरा हो पाएगा या नहीं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। अब भू माफियाओं की खैर नहीं, राजधानी देहरादून में अब जिला प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। जिनसे जमीन तो खाली कराई जाएगी, इसके साथ ही उन पर कार्यवाही भी होगी। रिपोर्ट में देखते हैं। राज्य गठन के बाद से ही बाहरी राज्यों से आए भू माफिया, यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने भी प्रदेश की सरकारी जमीनों के साथ वन विभाग की जमीनों पर कब्जा किया है और बड़े बड़े घर और निर्माण कर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे भी कर डाले। और इस पूरे खेल में सरकारी नुमाइंदों को भी शामिल किया गया, जिससे भू माफियाओं का काम और भी आसान हो गया। लेकिन अब भू माफियाओं को लेकर देहरादून जिला प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है, जिसके चलते उन भू माफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने जमीनें कब्जा रखी है। राजधानी के मंसूरी विधानसभा के गलजलवाड़ी क्षेत्र में भी ग्राम समाज की जमीनों के साथ ही वन विभाग की जमीनों पर भू माफियाओं ने कब्जा किया है। इसके साथ ही राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इन भू माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, जिन पर अब कानूनी कार्यवाही की तैयारी चल रही है। एसडीएम सदर की अगुवाई में एक टीम का गठन कर दिया गया है जो ऐसे लोगों को जिन्होंने जमीनें कब्जा कर अतिक्रमण किया है उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद अगर जमीनें खाली नहीं होती तो उन पर अब कानूनी कार्यवाही होगी। देखिए, बीते दिनों काफ़ी कंप्लेंट्स भी आए थे सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण के संबंध में, तो इसमें प्रशासन काफ़ी गंभीर है और यहाँ पे एसडीएम सदर के अगुवाई में एक टीम का भी गठन किया गया था और ये जितने भी अवैध खोखे हैं और कुछ जगहों पे मैगी पॉइंट्स भी अवैध तरीके से बनाए गए हैं टूवर्ड्स मसूरी और थानों वाले स्ट्रेच में भी और मालदेवता वाले स्ट्रेच में भी कुछ अवैध स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं, उन सबको जो है नोटिस दिया गया पीपी एक्ट में और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं तुरंत हम पत्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। वही दूसरी तरफ वन विभाग भी अब अपनी जमीनों को लेकर सतर्क हो गया है। प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने बताया कि वन विभाग की जमीनों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रमुख वन संरक्षक ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी वन विभाग की जमीन पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे स्पष्ट निर्देश है और पूरे वन विभाग का ये प्रयास है कि कोई भी वन भूमि पर कब्जा की कोई भी शिकायत आती है तुरंत उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है और अगर कहीं पे डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो उस पर राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सर्वे सीमांकन करवाने के बाद जो स्थिति सामने आती है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं और हमारा पूरा वन विभाग इस चीज़ के लिए बहुत ही सजग है कि वन विभाग की किसी भूमि पे किसी तरह का अधिक्रमण न हो। जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इनकी चेतावनी को भू माफिया और अतिक्रमणकारी किस तरह से लेते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन भू माफियाओं को संरक्षण देने वाले इन विभागों के अधिकारी ही निकलते हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। नमस्कार। कांग्रेस का नवसंकल शिविर, कार्यशाला में शामिल हुए पार्टी के दिग्गज, चुनाव में हार और आगे की रणनीति पर गहन मंथन। राज्यसभा सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी कल्पना सैनी ने किया नामांकन, बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में दाखिल किया पर्चा, 10 जून को निर्विरोध निर्वाचन तय। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने किया लाभार्थियों से संवाद, सरकार की गिनाई उपलब्धियां, जनता तक पहुंचाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं। कोविड महामारी के 2 साल बाद शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा, पारंपरिक अंदाज में यात्रियों का स्वागत, यात्रा का पहला जत्था अल्मोड़ा के लिए रवाना।